हाय एवरीवन, मेरा नाम दुर्गेश है। मैं पार्था डेंटल में अभी फिलहाल यहाँ बैठा हूँ और मैं यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आया था। करीब ऑलमोस्ट लाइक 2 साल पहले से मैं ट्रीटमेंट के लिए बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया, हर जगह मैंने देखा, हर डेंटल में मैंने चेकअप किया, लेकिन मुझे कुछ प्रॉपर सोल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा था। और फिलहाल एक दिन मैं बैठा था घर पे, फिर ऐसे ही गूगल सर्च किया मैंने, ढूंढा तो मुझे पार्था डेंटल मुझे ऑप्शन मिला सबसे पहले, और मैं यहाँ वाइट फील्ड ब्रांच में मैंने आया। फिर आके पहली बार मैंने अविनाश जी से मिला। अविनाश जी से मिलने के बाद वो मुझे मतलब मेरा कंडीशंस देखे, कैसे क्या चीज़ें हो रही है मेरे टूथ में, और बेसिकली उन्होंने मुझे बताया मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, मतलब ये प्रोसीजर एग्जैक्टली है कि तुम्हें ये करना होगा, और बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंडीशंस मेरा देख के उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मतलब आप क्या करवा सकते हो, कैसे करवा सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट मुझे उन्होंने गाइड किया कि मतलब ऐसे ये ड्यूरेशंस होंगे, उसके हिसाब से आपको करना होगा सब कुछ। तो मैंने कुछ उन्हें समय पूछा, इनिशियली पूछा कि मतलब मुझे इतना समय, तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे, और बेस्ड ऑन दैट वो मुझे बताया कि ठीक है चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार और आया, उनसे मिला, और उन्होंने बताया कि मेरे पास मतलब EMI ऑप्शंस भी है, ताकि यहाँ पार्था डेंटल में जो अवेलेबल है। तो इनिशियली मतलब मेरा ऑलमोस्ट लाइक फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा वीक था, तो उन्होंने बताया कि चलो इनिशियल क्लीनअप करवा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होता। तो आगे करवाने के बाद फिर इनिशियल क्लीनअप हुआ, मैं फिर मेरा मतलब उसके बाद उन्होंने फिर से बैठ के मुझे एंटायरली प्रोसीजर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पहले मतलब मुझे बेसिकली मुझे स्माइलिंग डिजाइनिंग के लिए मुझे अप्रूव मतलब करवाना था, ठीक है ना। तो उसके वजह से मेरा बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उसमें, जैसे कि सबसे पहले आता है मेरा फ्लैप सर्जरी, जो है कि मतलब सब डिपॉजिट्स वगैरह मतलब क्लियर करवाने में बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद आया जैसे कि मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, तो वो इंटरनली टूथ वगैरह के लिए क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं ट्रीटमेंट एक्चुअली। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जनरली मैं सुना था कि लोग कहते हैं कि बहुत टफ है और बहुत पेनफुल होता है बेसिकली, तो लेकिन जैसे मुझे मतलब डॉक्टर श्रावणी, तो डॉक्टर श्रावणी से मैंने मतलब पहली बार जब मिला तो उन्होंने बताया कि इट्स नॉट दैट पेनफुल, इट्स वेरी नॉर्मल वन, एंड टुडे एज पर द टेक्नोलॉजी इट्स बीन वेरी लेटलेस। तो हमें लगा कि मतलब बेसिकली पहले बहुत पेनफुल होगा, लेकिन जैसे मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट किया उसके 2 घंटे बाद हमें मतलब बहुत आराम मिला, मुझे पता ही नहीं चला कब ट्रीटमेंट खत्म हो गई रूट कैनाल की। उसके बाद हमारे पास आया जैसे कि इम्प्लांट, तो इम्प्लांट जैसे कि मतलब एक्सरे वगैरह लेने के बाद पता चला कि मुझे बेसिकली लोअर जॉ में मतलब 2 इम्प्लांट मुझे डालना पड़ेंगे। तो दो इम्प्लांट उन्होंने बोला कि मतलब डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा था, बोन सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो हम फिर सोचने लगे मतलब, तो उन्होंने बोला कि नहीं करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये जो सपोर्ट होता है नीचे का 4 टूथ जो है तो वो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है तो कर दीजिए। तो उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर से मैं आया, कंसल्ट किया इम्प्लांट के लिए। तो इम्प्लांट डॉक्टर मालती ने मुझे इम्प्लांट करवाया था, और मैं बहुत खुश हुआ कि एक ही दिन में एंटायर प्रोसीजर खत्म हो गया, और मुझे पता भी नहीं चला कब कैसे क्या हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी विद द 2 इम्प्लांट्स विच इज डन इन द लोअर जॉ। उसके बाद मेरा आया जैसे कि उसके बाद कुछ गैप्स हुआ, जैसे कि उन्होंने बताया कि मुझे जैसे फुलफिल होने के लिए मुझे कुछ दिन का और समय चाहिए। तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट लाइक 2 वीक्स बाद फिर से आया, तो उन्होंने तो फिर अविनाश जी मुझे बोले कि मुझे मतलब क्रोनिंग के लिए फिट करना पड़ेगा नीचे का 4 टूथ्स और ऊपर के 6 टूथ्स। तो एंटायरली मतलब मैंने ज़िरकोनिया क्रोनिंग करवाया है, और अभी भी और टाइम लगेगा, क्योंकि अपर जॉ जो है उसका मतलब अपर 6 टीथ तो सही हो चुका है, और नीचे का भी फिलहाल टेम्पररी लगा हुआ है। तो उसके बाद टेम्पररी लगने के बाद और कुछ 1-2 महीने बाद में फिर से करवाऊंगा उसको, और ओवरऑल रिजल्ट मतलब बहुत ही डिफरेंस हुआ है, बहुत ही डिफरेंस हुआ, क्योंकि मतलब पहले मेरा जो टूथ था वहाँ पे अक्सर बहुत ऑलमोस्ट 1 टूथ का गैप था मेरे हर 1 टूथ के बीच में, तो वो अभी कवर हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो बेसिकली, ये देख सकते हो आप, ठीक है, तो कहीं भी गैप नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। तो वहाँ पे सब कुछ कवर हो चुका है, और अब पता ही नहीं चल रहा कि मतलब बेसिकली मेरा पहला टूथ कैसा था और ये टूथ कैसा है। तो आई एम रियली हैप्पी विद द थिंग्स व्हाट हैज हैपेंड हियर, एंड आई सजेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज कम एंड विजिट दिस पार्था डेंटल वाइट क्लिनिक ब्रांच।